Hello friends, Namaskar. Welcome to my channel techtipnow. Friends, today I am going to discuss about identity operator as you can see on your screen. तो इसके पहले हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक कंपैरिजन लॉजिकल असाइनमेंट यूनरी बिटवाइज ये सारे ऑपरेटर्स देख लिए एक एक करके. तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर. तो चलिए शुरू करते हैं. आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं. जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की तो बेसिकली एज इट नेम इम्प्लाइज यू कैन सी आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब होता है बेसिकली यू कैन से कि जब दो पर्टिकुलर चीजें आपस में आइडेंटिकल हों, ऐसा कुछ होना चाहिए. तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए कि आइडेंटिटी ऑपरेटर को अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो बेसिकली इट यू कैन से कंपेयर्स द आईडी ऑफ टू डिफरेंट या टू बेसिकली यू कैन से व्हाट ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो इसका जो आंसर होता है वो या तो क्या होगा आपका ट्रू होगा या आंसर क्या हो सकता है आपका फॉल्स हो सकता है, राइट. सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ व्हाट योर यू कैन से आइडेंटिटी ऑपरेटर. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. सी आपने देखा होगा एक ऑपरेटर होता है इक्वालिटी ऑपरेटर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इक्वल टू का साइन. दिस इज बेसिकली यूज टू चेक वेदर द values of two you know operands or objects are equal or not. Similarly identity operator जो होता है ये basically क्या करता है, जो भी objects होते हैं उनको आपस में compare करके बताता है. क्या compare करता है, उनका id को. id का मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं उसके memory location की, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं उसके address की. तो उसको वो compare करके आपको बता रहा है कि whether दोनों object जो है वो identical है या नहीं है. सी एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि इन पर्टिकुलर पाइथन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ऑब्जेक्ट जो होता है ना इसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं. एक तो उसका होता है आईडी, एक होता है उसका टाइप और एक होती है उसमें क्या वैल्यूज. यहां पर आईडी को बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं हम बात के जैसे अदर लैंग्वेजेस में हम सी सी प्लस में मेमोरी एड्रेस की बात करते हैं, तो वही काम यहाँ पे आईडी की बात हम कर रहे हैं. तो इनडायरेक्टली यू कैन से व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी लोकेशन. सो होता है क्या है कि जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो जब आप डबल इक्वल टू साइन यूज करते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करते हैं, तो जनरली वी टॉक अबाउट यू नो वैल्यूज. हम क्या कंपेयर करते हैं वहां पे, उसकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे बताते हैं वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल और नॉट. सिमिलरली क्या होता है कि जब आप आईडी के थ्रू कंपेयर करना चाहते हैं दैट टाइम वी यूज व्हाट आइडेंटिकल आइडेंटिटी ऑपरेटर. सो अकॉर्डिंग टू आईडी कंपेरिजन अगर आपको करना है, अकॉर्डिंग टू मेमोरी लोकेशन अगर आपको कंपेरिजन करना है, दैट टाइम वी यूज यू कैन से वॉट योर आइडेंटिटी ऑपरेटर. और जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो ऑपरेटर्स होते हैं. एक होता है इज, क्या होता है एक इज, और दूसरा होता है नॉट इज, ठीक है ना. तो इन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं आपका, आई मीन आइडेंटिटी ऑपरेटर ये दोनों होते हैं इज और नॉट इट, और इनको यूज करके हम आंसर गेट कर सकते हैं कि वेदर द रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, राइट. तो अच्छा सॉरी, मैं ये एक्चुअली ये क्या है इज नॉट है, मैंने नॉट इज लिख दिया इसको, इट इज बेसिकली व्हाट इज नॉट. सो ये तो बात हो गई हमारी किसकी की व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर. सो ओवरऑल इट कंपेयर द आईडी ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मैं एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको बता रहा हूं. एक और इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज व्हाट की जब आप कंपैरिजन की बात करते हो आइडेंटिटी ऑपरेटर की तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग यू नो द विच टाइप ऑफ डेटा अ पर्टिकुलर वेरिएबल कंटेन्स. मींस हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करके यू कैन से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं या ये बता सकते हैं या ये चेक कर सकते हैं कि वह पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जो है वो किस टाइप की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, वेदर इट इज इंटीजर वेदर इट इज फ्लोट और नॉट. तो यू कैन से इट ऑल्सो यूज टू यू कैन से व्हाट डिटरमाइन विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कॉन्टेंट्स, ठीक है. तो ये भी हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू आइडेंटिटी ऑपरेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं. तो टाइप ऑफ इन द सेंस यहां पे देखिए आईडी का कंपैरिजन आप कर सकते हो और इज ऑपरेटर या इज नॉट के थ्रू हम ये भी चेक कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ वैल्यू मीन्स उसका डेटा टाइप भी हम निकाल सकते हैं कि वो सही है या गलत है, ये भी हम इसके थ्रू कंपेयर कर सकते हैं. तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं.
से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया ए, ए इक्वल टू मैंने डाल दिया 10, राइट। नाउ बी इक्वल टू, अगर मैं क्या करता हूं यहां पे इनडायरेक्टली अगर यहां पे 10 डाल देता हूं, सो बोथ आर वैल्यूज आर सेम बट देयर टाइप इज डिफरेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू टाइप ए इज बी, सो द रिजल्ट विल बी फॉल्स। व्हाई इट इज शोइंग फॉल्स, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है कि जो 10 है वैल्यूज आर सेम बट जो उनका जो आईडी है दैट विल बी डिफरेंट, राइट। सो होता क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं किसकी, किसी भी यू नो इज ऑपरेटर के थ्रू आईडी की, तो एक्चुअली क्या होता है पाइथन में आप कोई भी वेरिएबल लेते हो या कोई भी वैल्यू जब आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हो तो होता क्या है, जैसे कि अभी आपने यहां पे क्या लिखा है ए इक्वल टू 10, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो 10 है ना इट बिकम्स अ सेपरेट ऑब्जेक्ट और ए जो होता है वो सेपरेट एक ऑब्जेक्ट बनता है, ऑल्दो इट इज बेसिकली अ वेरिएबल। सो होता क्या है कि ये जो 10 है ये एज एन ऑब्जेक्ट इसका ट्रीटमेंट होता है आपके पाइथन में, तो ऑब्वियसली इसका एक पर्टिकुलर अपना आईडी होगा, उस आईडी में ये वैल्यू स्टोर हो रही है 10। तो ना होता क्या है कि ये जो ए ऑब्जेक्ट सेपरेटली डिक्लेयर हुआ ये पॉइंट करता है, या किसको पॉइंट करता है 10 को, या ये इस 10 को अपने रेफरेंस में लेता है, या दूसरे तरीके से आप ये बोल सकते हो कि 10 इज रेफरेंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर ए। सो इस डायग्राम में मैंने जैसे ये बताने की कोशिश की है कि जैसे आपने ये ए लिया और ये 10 लिया, तो 10 एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनता है जिसको ये ए क्या करता है आपका पॉइंट करता है, और इसकी अपनी एक पर्टिकुलर आईडी होती है, यू कैन से जस्ट लाइक 323, और इसकी अपनी एक पर्टिकुलर आईडी होती है 211 लाइक दिस। ऑब्वियसली आपको ये पता है कि कभी भी आप कोई वेरिएबल लेते हो तो इसका एक अपनी सेपरेट आईडी या लोकेशन मिलता है। सो यहां पर क्या हो रहा है कि a इक्वल टू 10 का मतलब ये a के अंदर जाके 10 स्टोर नहीं हो रहा है, 10 एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन रहा है, a एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस इक्वल टू ये a क्या कर रहा है इस 10 को रेफरेंस में ले रहा है, या 10 को क्या करता है पॉइंट करता है। सो अगर मैं यहां पर b इक्वल टू क्या करता हूं 10 कर देता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 इज ए सेम ऑब्जेक्ट और इस सेम ऑब्जेक्ट को a भी पॉइंट कर रहा है और b भी क्या कर रहा है पॉइंट कर रहा है। सो दैट इफ यू टाइप a इज b इज दिस टाइम इट इज शोइंग व्हाट ट्रू, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इज ऑपरेटर है मतलब ए और बी दोनों की आईडी क्या है सेम है। नाउ इफ यू वांट टू चेक द आईडी वी हैव ए फंक्शन आईडी ए, सो अगर मैं आईडी ए लिखता हूं तो इट इज शोइंग व्हाट 768, एंड इफ आई टाइप आईडी बी अगेन इट इज शोइंग द सेम रिजल्ट। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम आईडी, दोनों का आईडी का जब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट का ए एंड बी का, तो इट इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग व्हाट True. And similarly, अगर आप लिखते हैं A is not B, obviously it will return what show. तो is और is not एक दूसरे का reciprocal है या उसका opposite हो जाता है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। Now, ये तो बात हुई कि हमने जैसे एक single variable को लेके काम किया। Now, अगर आप list को लेके workout करते हैं, say for example, मैंने लिया li, li equal to मैंने डाल दिया 1, 2, 3। Now, if I take li1 equal to 1, 2, 3, right? Now, if you display li, it will show you 1, 2, 3, and if you display li1, again it will display you 1, 2, 3. Lekin jab aap isko li is what li1 karenge, so it is showing what you false. So actually, kyun aisa ho raha hai? Jab kya? Ek cheez aur, yahan pe agar aap likhte ho li double equal to li1, that time it will show you what true. So equality operator actually comparing the values of you know this particular list. लेकिन जो is operator है obviously आपको पता है it compares the id of the you can say objects or id of these both operands that is li and li1. So होता क्या है कि यहां पर यह false return कर रहा है, return क्यों कर रहा है false, because see 1, 2, 3 ये एक particular set बना और इस set की अपनी एक id बनेगी that will be different for this particular सेट। सो बिकॉज दोनों का आईडी डिफरेंट हो रहा है दैट्स वाई इट इज रिटर्निंग वॉट फॉल्स। लेकिन वेन यू कंपेयर डबल इक्वल टू वॉट li एंड li1, तो चूंकि इनकी वैल्यूज क्या हो रही है सेम हो रही है, इसलिए क्या कर रहा है आंसर ट्रू रिटर्न कर रहा है। नाउ ये तो मैंने जो बात की कि ओवरऑल आइडेंटिटी ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या कर रहा है जो भी कंपेरिजन कर रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ वॉट दिस आईडी, और उसकी बेसिस पे डिसाइड करता है आंसर क्या होगा। सेकेंडली मैंने आपको बोला कि आइडेंटिटी ऑपरेटर को यू कैन ऑल्सो यूज फॉर डिटरमाइनिंग विच टाइप ऑफ वैल्यू इज कंटेनिंग बाई इज बींग कंटेंट बाई वॉट अ वेरिएबल।
ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें इस का ऑपरेटर हम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं एक नया शेल ओपन कर लेता हूं। लेट सपोज कि मैंने यहां पे x में डाला 20, राइट। अब मैं यहां पर टू चेक द टाइप डेटा टाइप ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल वी हैव ए फंक्शन कॉल्ड टाइप। सो मैंने लिखा टाइप ऑफ x। नाउ इफ आई राइट इज फ्लोट, सो इट इज शोइंग व्हाट यू फॉल्स। सो दैट मींस व्हाट, आपका इज ऑपरेटर के थ्रू आप ये कंपेयर करके बता रहे हो कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, और जो भी है वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ आई राइट टाइप एक्स इज नॉट फ्लोट, इफ आई राइट नॉट फ्लोट इट इज शोइंग व्हाट यू ट्रू। एंड सिमिलरली इफ यू टाइप टाइप ऑफ एक्स इज व्हाट इंट, at that time it is showing what you true. So this is what another use of, you can say what is operator or is not operator. So ye kuch baatein hain aapke identity operator se. Umeed karta hu aapko ye thoda sa concept clear hua hoga. Main aapko equality operator aur identity operator ka ek separate video bhi bana ke dunga jisme main bataunga why both are different, unke beech mein kya difference hota hai. To wo ek alag baat hogi, but moral of the story is that identity operator is basically used to compare the ID or memory location of two different objects or two objects, and we can also use to determine the type of value being pointed by or being contained by what a variable, right? So that's it for this session, friends. Milte hain next session mein naye concepts ke sath. Tab tak ke liye bye bye and take care.